wanna how it go. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। क्या दोस्तों आप भी चाहते हो आईफोन जैसा लुक अपने MIUI 13, MIUI 12 या MIUI जो 12.5 है उसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सभी के अंदर लेकर के आना, मतलब 12 से लेकर के 13 एंड्रॉयड 11 पे आपका फ़ोन अपडेट होना चाहिए या एंड्रॉयड 12 होना चाहिए, उसके अंदर दोस्तों आप इस तरीके से iOS वाला लुक दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर के इस तरीके का iOS लुक कैसे आप अपने फ़ोन को यहाँ पर दे पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अपने रिसेंट मेन्यू को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो और थोड़ा सा आपको ना एक ग्लोनेस भी दिखेगा और बहुत सारे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं जैसे कि विजिट्स वगैरह जो फीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर ये इनेबल कर देता है। तो फाइनली दोस्तों एक वीडियो कमाल का लेकर के आ चुके हैं, काफ़ी टाइम बाद हम एक रूटिंग ट्रिक यहाँ पर लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, रूट करना होगा आपको अपने डिवाइस को, अगर आपका फ़ोन डिवाइस जो है रूट नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका फ़ोन यहाँ पर रूट है तो काफ़ी इजीली आप इसको कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने डेस्क की तरफ और वहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरे फेस में तो नहीं है, तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि भैया क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस रिसेंट मेन्यू पे। वैसे ज़्यादा छोटा सा वीडियो, 4-5 मिनट का वीडियो, तो पूरा वीडियो देखना अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि यार इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और साथ ही में इससे मेरे चैनल का थोड़ा सा यूज़र बेस भी बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो, आप लोग रेगुलर आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए फटाफट से चलते हैं यहाँ पर अपनी फ़ोन स्क्रीन पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे आप भी यहाँ पर इस रिसेंट मेन्यू को इनेबल कर सकते हैं, आईफोन जैसे iOS जैसे लुक को आप यहाँ पर कम्प्लीटली दे सकते हो। एक मैंने यहाँ पर बार अभी जो है बंद कर रखा है, अगर आप चाहते हैं ये बार भी इनेबल हो जाए तो सिंपली यार आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम पे और उसके बाद दोस्तों अपने यहाँ पर मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर कहीं दिख जाएगा भैया ऑप्शन, ये नेविगेशन जेस्टर्स है, इसको मैं यहाँ पर फुल हाइड कर रखा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद ये iOS वाली जो फील होती है ना, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। और भाई सब्सक्राइब कर दिया ना आपने, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें कुछ तरीके से देखने में आपको लग रही है। कैसे इनेबल करना है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जो है आपका फ़ोन यहाँ पर रूटेड होना चाहिए। रूटेड होने के बाद दोस्तों एक फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, इससे मेरे टेलीग्राम पे थोड़े से आप लोग आ भी जाओगे, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी मैं करता रहता हूँ तो बताता रहता हूँ सारी चीज़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है, उसके अंदर जाना है, वहाँ पर आपको फाइल देखने को मिल जाएगी, उस फाइल में जाना है और वहाँ पर उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली करने के बाद दोस्तों आपने उसको अपने फ़ोन पे आकर के सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा अपना मैसेज जिसका नाम है सब्सक्राइब, तो स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो यहाँ पर सब्सक्राइब के नाम से हाइड कर रखा था और आप लोग देख सकते हैं मैजिस यानी जो हमारा फ़ोन है वो रूटेड है, 24.2 है यहाँ पर इंस्टॉल। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, मॉड्यूल पे जाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फ्लैश किया हुआ है। आपने जाना है दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल पे, इंस्टॉल पे जाने के बाद iOS लॉन्चर बाय Xiaomi UI आपने यहाँ पर इसको कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने कर देना फ़ोन को रिबूट। बाय द वे दोस्तों ये जो यहाँ पर वीडियो पॉसिबल हो पा रहा है ये Xiaomi UI करके वो आता है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी, तो क्रेडिट उनको जाता है, उनके ही बदौलत यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ। नीचे क्रेडिट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, कोई कॉपीराइट देना हो चाह रहा हो तो उससे पहले जो है नीचे देख लें अपनी क्रेडिट्स आपको दे रखे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा रिसेंट बार जो है वो वही रहा है या चेंज हो गया है या स्टॉक वाला हो गया, क्योंकि दो बार ही फ्लैश करने के बाद कई बार रिमूव भी हो जाता है, तो रिमूव तो यहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए पुराना वाला ही आपको देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी आपको आपने अपडेट नहीं करना क्योंकि आप करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग में वीडियोज लेकर के आने वाले, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसको रिमूव करना है तो क्या करना है, सिंपली आपने अपने रूट वाले में जाना है मैजिस्क पे, उसके बाद आपने मॉड्यूल पे जाना है, उसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना है और एक बार अपने फ़ोन को जो है रिबूट यहाँ पर कर लेना है। ऐसा करने से दोस्तों आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा एक बार ही, और रिस्टार्ट होने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि रिमूव हो गया है या नहीं हो गया है, तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना लॉक कर लेता हूँ फ़ोन और यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर जो है बंद हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको जो है अपनी रोम को दोबारा फ्लैश भी करना पड़ जा सकता है,
जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर अब कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर अनइंस्टॉल करने की कोशिश करी थी और अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कम्प्लीटली जो है फ़ोन यहाँ पर काम करना बंद करके, लॉन्चर है ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा। तो फ़ोन हमारा यहाँ पर रिबूट हो गया। रिबूट होने के बाद आप लोग देख सकते हो अभी जो है यहाँ पर वापस से हमारी iOS वाला आ चुका है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। अब दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी अफेंड मत होना, लेकिन भाई साहब आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया है तो आप मुश्किल में आ जाएंगे और रिमूव इसको बेसिकली आप नहीं कर सकते यहाँ से। अगर आपको रिमूव करना है तो आपको या तो ग्लोबल वाले का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसको फ्लैश करना पड़ेगा पहले, तो नॉर्मल हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, ठीक है। और नहीं तो इसका कोई और तरीका है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगा। फिलहाल आप अगर रिमूव करेंगे तो आपका जो है सिस्टम यहाँ पर क्रैश होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ भी काम करना है यहाँ पर बंद हो जाएगा सब कुछ। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आएगा। पसंद आता है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बताना वीडियो लगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय, नमस्कार।